भगवान की कथा कलिकाल में जीव के पुण्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। पुण्य पुंज जब जीवन में एकत्र होता है तो भगवत कथा गाने सुनने का सुयोग बन जाता है। पुण्य का परिणाम है भगवान की पावन कथा। क्या है? पुण्य का परिणाम है भगवान की पावन कथा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देई एहि मार्ग सोई। जिस पर भगवान की अति कृपा होती है, कथा श्रवण करने के पथ पर वही अग्रसर होता है। हमारे कई पुराने श्रोता लोग दिखते हैं, हर्ष होता है, कई माताएं दिखती हैं जो बलरामपुर गार्डन में भी सुनती थी, मोती महल लॉन में भी सुनती थी, जानकीपुरम वाली कथा में भी रहती थी, कृष्णा नगर में हनुमान जी महाराज के पास भी रहती थी। सब दिखे वो सब बड़े पुराने श्रोता लोग। कृपा और सुंदरता ये अनुभूति के विषय हैं। कृपा और सुंदरता का अवलोकन जब हम करते हैं, यदि हमारे हृदय में सुंदरता है तो हमको बहिर जगत में उसका दर्शन होगा। हमारे खटर बटर है तो हमको बाहर भी वैसे ही नजर आता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति के बारे में बहुत परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बैठेगा वो खुद बताएगा। मनुष्य का उठना बैठना चलना बोलना देखना ये उसके स्वभाव का परिचय करा देता है। बैठना, अरे बैठने से कैसे पता चलता है? चलता है, बैठने से पता चलता है। व्यक्ति का स्वभाव, उसके संग और विहार से निर्मित होता है। आज की जो प्रसंग की पूर्व पीठिका है, जो श्रीमंत आज पहली बार आए हैं, तो बड़े लोग एक बार ही आते हैं, दोबारा लौट के नहीं आते, तो उनको थोड़ा यह स्मरण रहे। कल हम लोगों ने भगवान की शिशुबाल लीलाओं का दर्शन किया, ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुशासन का स्मरण किया, तत्पश्चात महर्षि विश्वामित्र जी महाराज चक्रवर्ती महाराज से प्रभु राम लक्ष्मण को मांग कर अपने आश्रम में संपादित किए जा रहे यज्ञ के रक्षार्थ लाए। मार्ग में ताड़का का भगवान ने उद्धार किया, पहचान गए गुरुवर विश्वामित्र जी। मार्ग में उन्होंने सारे आयुध समर्पित कर दिए, बला अतिबला नामक विद्या भेंट की। आश्रम पर आ गए, विश्राम हुआ। प्रातः काल प्रभु जिसलिए आए थे, गुरुदेव से निवेदन किए, हे देव यज्ञ प्रारंभ हो। गुरु विश्वामित्र जी मुस्कुराए,
क्यों? गुरु जी ये जानते हैं कि जब यज्ञ संपादित होगा और पूर्णाहुति हो जाएगी तो ये दोनों लोग तो अयोध्या जी चले जाएंगे, इसलिए यज्ञ की कोई रचना बनाई नहीं गई। यज्ञ के लिए तो बहुत सारी सामग्री जुटानी पड़ती है, समिधा लाओ, राशन बासन, दुनिया भर का खटकर्म होता है। तो गुरुवर भी आनंद में होगा। ठीक, प्रभु ने निवेदन किया।